छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सरगुजा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज नामांकन दाखिल कर दिया है इसके बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि आरक्षण और अन्य बातों को लेकर कांग्रेस बरगरा रही है उसके बहकावे में न आए आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा नामांकन रैली में जितना भी यहाँ आईन है मैं सब के बहुत बहुत अभिनंदन हूँ, मन कर आभार व्यक्त करत हूँ चूंकि समय नहीं है एक लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलत हूँ मैं पुनः मुख्यमंत्री जी के और सब मंत्री मन के और जितना भी हमारे भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मन आईन है हमारे नामांकन में शामिल हो एवर, वो मन के आभार व्यक्त करते हुए और यहाँ उपस्थित सब जन के आभार व्यक्त करते हुए मोर बातला विराम जय 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 श्री श्री राम जै जै राम थोड़े दोनों हाथ उठाए के करी मुट्ठी बांध के जय जय श्री राम मैं प्रणाम करने आया हूँ सरगुजा के आप जैसे मेहनती कार्यकर्ता भाई और बहनों का जिन्होंने विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग को कांग्रेस मुक्त बनाने का आप लोगों ने काम किया है और इसके लिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ आपका अभिनंदन करने आया हूं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब मैं बार बार अंबिकापुर सरगुजा आता था लोग पूछते थे कि आपके पास एक भी विधायक नहीं है कैसे करेंगे और तब मैं आपके दम पर आपके भरोसे पर सबसे कहता था कि आप विधानसभा चुनाव का परिणाम देखिएगा कि सरगुजा अपने अपमान का बदला कैसे चुकाएगा अपनी उपेक्षा का बदला कैसे चुकाएगा और ये भ्रष्टाचारी सरकार को कैसे उखाड़ कर मैं सब कर ले पहले सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी महिला नमन करत हो जो पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दिन चौदह के चौदह सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के ऐतिहासिक काम कर दिन ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मल्ला मोर जोहार नमन बंधु जानगिर भी जाना है इसीलिए आप मन से जल्दी विदा लेना चाहत थ और मैं तो यही आप मन से कहे बर आए हूं कि ये जो लोकसभा के चुनाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है आप सब सहमत है ना सब सहमत है तो मुठ्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मान के उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते 24 घंटा में 18 घंटा काम करते और 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकमला कार्यालाप देखे हा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ऐला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव गरीब किसान मजदूर हर वर्ग के चिंता करे के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करी नहीं पूरे दुनिया में हमारे देश के डंकाबाजी से 140 करोड़ भारतवासी मन के सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी आज ये चुनाव सैतालीस तक हमारे विकसित भारत, भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है और आने वाला पांच साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जिला अपन प्रत्याशी बनाई से तो आने वाला सात मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले श्री चिंतामणि महाराज जी प्रचंड मत से सांसद बन के दिल्ली जाएं भारत के संसद में जाएं और हमारा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने यही आग्रह करे पर मैं आए हूं और ये जो कांग्रेस जो पिछले पांच साल राज करी और बड़े बड़े वादा छत्तीसठंड वादा करके एक भी वादा पांच साल में पूरा नहीं करीस बल्कि छत्तीसगढ़ भट्टाचार के गढ़ बना दिस अपराध के गढ़ बना दिस हर चीज में भ्रष्टाचार कोयला में भ्रष्टाचार शराब में भ्रष्टाचार रेत में भ्रष्टाचार डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार और तो और ये नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक ये कांग्रेसिया मन खागिन आज कई ठन नेता मन और ये ला सहयोग करने वाला अधिकारी आज छह छह महीना साल साल भर से जेल के अंदर में है उमन के बेल बार बार खारिज होते ये तो कांग्रेसिया मन सबक सिखाना है सबक सिखाना है कि नहीं जैसे सरगुजा संभाग